नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेलकम टू दी शो। आप बोलो ना साथ में, जिंदगी फुल ऑन। तो फिर अभी इतने सारे एपिसोड के बाद आपने ये नहीं बताया कि जिंदगी के कौन कौन से बटन थोड़े इग्नोर हो रहे थे जिनको आपने ऑन किया है, बताइएगा जरूर। ये क्या, आप तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे, इधर उधर कुछ तलाश रहे हैं। बेसब्रियां हैं आज आपके साथ कि कौन आया है आज जिंदगी फुल ऑन के सेट पर हम सफर की बात करने, लाइफ पार्टनर से जो उनकी चाहते हैं उस बारे में बात करने। ऐसे ताका झांकी करके देख रहे हैं, तो पूछना था मुझे कि जब आपके हम सफर की बात हो रही थी और जब वो आपको देखने आए थे या वो आपको देखने आई थी, तो आपने कहाँ से उन्हें देखा था? खिड़की से हा? या फिर पड़ोस वाले घर में या फिर छत पर, कहीं ऐसे ही मुलाकात हुई होगी, या फिर देखे ही नहीं सिमर असीता है, जेड़ा पेरेंट्स ने क्या असीता बस सुना नाल व्या कर लिया है ना। बट क्या है ना, जमाना बदल गया है, जमाने का अंदाज बदल गया है। तो अंदाज बदला है तो फिर कहते हैं कि हर चीज का नियम कानून तौर तरीके सब एकदम बदल गए हैं, और कहीं पर तो नियम है ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है ना। पहले बात कहते हैं कि एकदम कहते नहीं थे, चुप रहते थे, फिर जब कहने लगे तो थोड़ा छुप छुप के कहने लगे, और फिर उसके बाद झटपट कहने लगे। तो जमाना अब इस बात का है कि झटपट अपने दिल की बात की जाए, मैटर कोई भी हो। और जब मैटर की किसी भी मैटर पर जब हम अपने दिल की बात खुल करके करते हैं, तो यहाँ तो बात लाइफ पार्टनर की है, तो फिर तो डेफिनेटली वो हम बिल्कुल खुल करके करेंगे। जिंदगी फुल ऑन है। और मज़े की बात यह है कि आज हमारे इस सेट पर, इस शो पर बहुत ही खास मेहमान हैं। एक मेहमान, चलिए मैं क्यों इतना बोल रही हूँ, पहले मैं उनसे मिलवाती हूँ और फिर उनसे हाय हेलो कराती हूँ ना। जितनी बेताबियाँ बेसब्रियाँ वहाँ हैं, यहाँ भी उतनी है कि मैडम आपने ही बोले जाना है कि हमें भी इंट्रोड्यूस कराना है ना। तो सबसे पहले हमारे साथ आज जिंदगी फुल ऑन पर हैं रविंदर कौर जी एंड कुमार साहिल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। रविंदर कौर जी की बहुत सारी खासियत है, वो धीरे धीरे हम आपको बताएंगे। और कुमार साहिल म्यूजिक इंडस्ट्री के एक कहते हैं कि जाने माने नाम है, हिमाचल के स्टार हैं, और मैंने इनसे कहा कि मैं कह दूं कि मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं सिंगिंग की दुनिया में, तो बोले नहीं ऐसे तो नहीं करना मैं। तो देखिए, सबसे पहले तो थैंक्स फॉर कमिंग, प्लेजर, थैंक यू, प्लेजर। क्योंकि जब हम अपने लाइफ पार्टनर की बात करते हैं तो अक्सर लोग छुप छुप के तो बात करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस की, पर खुल करके कम करते हैं जी। चाहे वो आम जिंदगी जीने वाले लोग हों, बहुत सॉफ्ट जिंदगी जीने वाले लोग हों, और चाहे बहुत तड़क भड़क वाली जिंदगी जीने वाले कहीं कई तो एक्चुअल में ऐसे स्टार्स भी हैं जो बताते ही नहीं कि शादी हो गई है ना। बिल्कुल एक्चुअल में वो बताते ही नहीं कि उनकी मैरिज होगी, कि कहीं उनकी फैन फॉलोइंग ना कम हो जाए। और यहाँ पर हमारे साथ स्टार इसलिए हैं कि वो बताना चाहते हैं कि उनकी चॉइस लाइफ पार्टनर के बारे में क्या है। और जो रविंदर कौर जी हैं, इनके अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो धीरे धीरे हम इनसे जानते रहेंगे। तो सबसे पहले तो वंस अगेन वेलकम टू दी शो। और देखिए, स्टार लोगों से बात कर रही हूँ तो मैं भी अटक रही हूँ आज। तो सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी ओर से, अपने अपने तरीके से हमारे व्यूअर्स का वेलकम करें। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आप
आपका और पूरी जस पंजाबी की टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आज यहाँ पे इतने सारे लोगों के साथ रूबरू होने के लिए आपने न्योता दिया, मुझे बुलाया. सो आई एम रियली थैंकफुल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हेयर. और जितने भी लाइव हमें देख रहे हैं आज लोग, सबको मेरी ओर से बहुत सारा प्यार और बहुत सारी मोहब्बत. और जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना का टाइम चल रहा है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपना ध्यान रख रहे होंगे और जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कर रहे होंगे. ये बहुत जरूरी है अभी वो गाइडलाइंस भी फॉलो कर रहे होंगे और जो जो ये गाइडलाइंस बताएंगे ना कि मुझे ऐसे लाइफ पार्टनर चाहिए, ऐसा चाहिए, तो वो भी आप लिख लेना. Exactly. तो कई सारे तो आपको भी जो देख करके पूछने आएंगे ना कि अरे कौन वो सिमर के साथ उस दिन कौन थे, उस सिमर के साथ उसका जरा नंबर वंबर बताइए, है ना. तो रविंद्र कौर जी, आप कैसे हमारे, मैं भी सारे व्यूअर्स को थैंक्स कर रही हूँ जिन्होंने हमें इस मंच पे आने का एक वो दिया, और सारी जो टीम है उसका भी एक थैंक्स कर रही हूँ कि हम लोगों को आपके ज़रिए जो भी मैसेज देना है, जैसे कोरोना डे चल रहे हैं, कोरोना महामारी चल रही है, उसमें ये भी है कि प्रिकॉशंस भी लेते रहें और ये प्रोग्राम देख के हमें सुझाव भी देते रहें कि ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है. और बाकी आप सबको, सारी मतलब मेरी तरफ से सारी टीम को उस चीज़ का थैंक्स है जो आपने हमें यहाँ बुलाया है और लोगों के रूबरू करा रहे हैं. चलिए तो फिर हम थोड़े से कहते हैं कि बातों का सिलसिला शुरू करते हैं. जिंदगी फुल ऑन का जो फ्राइडे का डे है, हमारे सारे व्यूअर्स जानते हैं कि जो भी गेस्ट यहाँ पर आते हैं तो उनसे हम डेफिनेटली मैरिज से रिलेटेड, लाइफ पार्टनर से रिलेटेड, या जिंदगी में पार्टनर साथ गुजारने के लिए कैसा होना चाहिए, पार्टनर आपको क्या लगता है कि लाइफ पार्टनर की ज़रूरत कहाँ तक है, या फिर आजकल तो लिव इन का भी फैशन है, तो वहाँ उस बारे में आपका क्या कहना है. तो सिर्फ एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ. जब आप एक सोचते हैं, एक पहला वर्ड आता है ना, मैरिज, है ना रविंद्र जी, जब आपके माइंड में एक वर्ड आता है मैरिज, तो आपको क्या लगता है, मतलब जुबान पर क्या आ जाता है, एकदम से क्या दिमाग में चलता है? एज अ मैरिज यही कहेंगे कि एक लाइफ पार्टनर हमें मिलता है जो कि आपके साथ मिलकर आपका साथ दे, और जो आपका अकेलापन होता है, आप पूरी ज़िंदगी बचपन से लेके पढ़ते हैं, स्कूल लाइफ करते हैं, कॉलेज लाइफ करते हैं, फिर यूनिवर्सिटी लाइफ करते हैं, फिर उसके बाद आप जॉब करते हैं, एक सेटलमेंट हो जाती है, उसके बाद चाहे घर परिवार है चाहे हम खुद हैं, हमें लगता है कि अब शादी होनी चाहिए और कोई ना कोई ऐसा साथ में होना चाहिए जो हमारे दुख सुख में काम आ सके. तो आई थिंक मैरिज को लेकर के आपका ये, आप तो एकदम यंग और हाँ स्मार्ट भी हैं, तो पहले तो ये बताइए साहिल कि मैरिज को लेकर के आप एकदम से क्या सोचते हैं, बीइंग स्टार आल्सो, बीइंग सन आल्सो, एंड एक कहते हैं कि हैंडसम पर्सन आल्सो. बहुत ही टफ सवाल है मेरे लिए, बहुत टफ है क्योंकि ऐसा कभी मैंने सोचा ही नहीं, बट अभी सोचना पड़ रहा है. तो मैं समझता हूँ कि मैरिज एक घुट्टी भी होती है क्या स्टार्स ने, कि मतलब जो पूछना है वो मानना नहीं है, हमने रियलिटी नहीं बोलनी हमने, है ना. बट आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैरिज का बहुत क्रेज होता है ना. तो उसमें साहिल है कि नहीं? इन शॉर्ट मैं उसमें नहीं हूँ, क्योंकि मैं, सभी ऐसे बोलते हैं तो हम जो वो बोले कि मैं नहीं हूँ तो इसका मतलब वो है. तो मुझे ऐसा कुछ क्रेज नहीं है, बट या अगर देखिए, अगर खुदा ने वैसा लिखा है तो जब वो चीज़ होनी होगी वो हो ही जाएगी, जब पेरेंट्स चाहेंगे. बट एज सच अभी मैं, मेरा कुछ ऐसा रुझान नहीं है शादी की तरफ कि यू नो मुझे शादी करनी है या कुछ ऐसा. हमारे यहाँ पे एक मिरर भी है, पता है? अच्छा जी. अब वो जो झूठ बोलते हैं ना उसका चेहरा एकदम साफ दिखता है, मन में लड्डू फूट रहे होंगे. भाई बस कब बोनी है, रोज जब मम्मा पापा बोलते होंगे हाँ लो आज नहीं मम्मी पापा के सामने जाना, आज फिर उन्होंने कहना है कि हाँ शादी शादी. देखिए शादी करना इजी है, मैं समझता हूँ कि शादी अगर आप पेरेंट्स को कहेंगे, या कुछ लोग फोर्सफुली भी कर लेते हैं पेरेंट्स को बोल के, एक रूल और एक रेगुलेशन. एग्जैक्टली, रिश्ता कोई भी है वो शुरू करना आसान है, बट उसको निभाना
वो थोड़ा सा टफ होता है, चाहे वो फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, मैं समझता हूँ तो डेडिकेशन शुड बी देयर, चाहे शादी आपकी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में थोड़ा सा आसानी ये हो जाती है कि आप जब मर्जी ब्रेकअप कर लीजिए, हस्बैंड वाइफ वाले रिश्ते में थोड़ा सा आपको बिल्कुल सोच समझ के करनी पड़ती है, जिम्मेवारी हो जाती है, जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा रहती है। तो रविंद्र जी, क्योंकि मैं आपसे एज तो नहीं पूछूंगी, बट वी कैन मेक आउट कि आपकी एज अभी है, तो आपने शादी अभी इतनी उम्र तक क्यों नहीं की, मैं ये जानना चाहती हूँ। जब एक उम्र थी जिस उम्र में शादी होनी चाहिए थी, उस उम्र में ये था कि सेट होना है कहीं पे एज अ एजुकेशन, एजुकेशन और जॉब, जॉब तो वो एक टाइम जो है, एक प्रीशियस टाइम, एक अच्छा टाइम वो निकल गया। बट अब लगता है कि हाँ कोई तो होना चाहिए, और कहते हैं ना कि शादी की कोई उम्र नहीं, इश्क जब भी हो जाए, इश्क तो है ना, क्या बात है, सही बात है। तो अब लगता है कि हाँ कोई ऐसा मिले जो प्यार करे, जो प्यार करे, जो बात करे, सुने, है ना। तो चलिए अब हम एक वन बाय वन देते हैं। तो आप तो मतलब कैसे, आपके घर में कैसे रिश्ते आते हैं, कि मम्मी के थ्रू आते हैं, रिलेटिव्स के आते हैं, या फिर फैन फॉलोइंग इतनी है वैसे आते हैं, कैसे आते हैं? जी बिल्कुल, मेरे घर पे रिश्ते तो अभी तक मेरे ख्याल से नहीं आए हैं, अगर आए भी होंगे तो पेरेंट्स ने कभी बताया नहीं मुझे। बट हाँ, जो लोग मोहब्बत करते हैं, जो लोग फैंस हैं, वो कई बार मेरे घर तक भी आए हैं। तो बहुत सारे किस्से ऐसे हुए हैं कि लोग घर तक आ जाते हैं, सोशल मीडिया पे बड़ा फॉलो करते हैं, एंड तो अच्छा लगता है बहुत कि लोग आपके काम को प्यार कर रहे हैं, आपके यू नो आपके म्यूज़िक को मोहब्बत दे रहे हैं। तो हिमाचल में अभी मैंने कुछ एक गाने रिलीज़ किए थे, तो लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। तो फिर लड़कियां भी ऐसे लिख के भेजती हैं कि साहिल आई एम डाइंग फॉर यू, आई वांट टू मैरी यू, ऐसा भी होता होगा। हाँ, सोशल मीडिया पे कई बार जब मैं चेक करता हूँ मैसेज, तो उसमें होते हैं आई लव यू एंड ऑल, ये वाले सारे मैसेज। एक्चुअल में पता है कैसा है? हम ना यहाँ शुरू में एक हमारे पास, मुझे हमारी टीम ने बोला कि रहने दो, वो उस बुक को बड़ी सीरियसली ले लेते हैं लोग। अच्छा, पहले ना हम कसम दिलवाते हैं। अच्छा जी, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं, नहीं कहेंगे है? तो दिलाइए कसम आप, आई एम रेडी। तो मुझे तो ये लगा कि आप तो मेरे सामने झूठ बोलोगे ही नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने कुछ पकड़े जा रहे हो, बिल्कुल साफ पता चल रहा है, पकड़े जा रहे हो, मत पकड़े जाओ, ठीक है। देखो, मैंने कुमार साहिल के लिए एक तो अपनी कसम वाली बुक भी मंगा ली है, और दूसरा मैं ये चाहती हूँ कि कुमार साहिल पहले छोटा सा हमें एक कहते हैं कि जैसे वो अपने लाइफ पार्टनर को कैसे मनाएंगे, या वैसे ही कुछ भी कुछ सुना दें, तो फिर मैं देखूंगी कि इस कसम की जरूरत पड़ेगी या फिर उसी से मेरी बात आगे बढ़ जाएगी। बिना कसम खाए मैं एक बहुत ही प्यारा गाना सारे व्यूअर्स के लिए सुना देता हूँ। हाँ, और उनके लिए भी जो आपको देख करके अभी क्रश कर रहे होंगे, exactly. और क्या कहते हैं कि गश खा खा के गिर रहे होंगे। और वैसे भी मेरे हिमाचल से बहुत सारे लोग अभी हमें लाइव देख रहे होंगे, सो आप सबको भी मेरी ओर से बहुत सारा प्यार। ये गाना अब्रॉड के व्यूअर्स और हिमाचल के व्यूअर्स और यहाँ के बाकी कहाँ जाए और मैम के लिए चलिए। दर्द के अंधेरों से आ गए उजालों में, इश्क के चरागों का नूर है ख्यालों में, नजरों से तेरी चाक दिल पे रफू हो गई, दिल पे रफू हो गई। सनी दानी रे घरे सनी रे सनी दवा मगर मेरे मौला तेरा।
शुक्रिया। आज इबादत रूबरू हो गई जो मांगी थी, जो मांगी थी उस दुआ से गुफ्तगु हो गई। सनी दानी रे घरे सनी रे सनी धावा माधा पामा घरे सा मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला तेरा शुक्रिया। आज इबादत रूबरू हो गई। थैंक यू। बहुत खूबसूरत। तो अब मैं मान सकती हूँ कि मुझे बुक की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब म्यूजिक से बात शुरू हुई है, तो जहाँ म्यूजिक की बात है तो साहिल कुमार साहिल झूठ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल है ना। रविंद्र जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जब उम्र थी, लाइक कहते हैं ना, वैसे तो उम्र तो कभी भी आप शादी कर सकते हैं, ऐसा कोई हमने खुद से ही नियम बनाए हुए हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एज होती है ना, शुरू हो जाती है किसी किसी फैमिली में, वो 24 से शुरू हो जाती है, 26, 28, 29, कहीं पर भी। उन दिनों फैमिली के साथ या फिर जब शादी का माहौल वाली बात थी घर में, तब जी आपने कैसे, मतलब कैसे कैसे एक्सपीरियंस हुए उस वक्त आपको, मैं ये एक्चुअली जानना चाहती हूँ। एक्सपीरियंस ऐसे थे जी, ऐसा तो नहीं है कि लाइफ में कोई नहीं आता, उस टाइम लाइफ में काफ़ी लड़के आए, और जो वो उम्र होती है उसमें ये भी होता है कि हाँ, एक क्यूरियोसिटी भी होती है कि हाँ, मतलब कोई आपके पीछे आ रहा है, अच्छा भी लगता है। बट ये था कि कुछ पढ़ाई के उसमें, जैसे डॉक्टरी कर रही थी, वो करना था, एक मेन जो बनाया हुआ था एम कि भी हाँ पहले पढ़ाई हो जाए तो फिर। बट ये नहीं था कि उस टाइम पे मन नहीं था, मन भी था, घर के प्रेशर भी थे, घर वाले भी चाहते थे कि हाँ शादी हो जाए, पर वही था कि समा वो कई बार आप चुक जाते हैं, कई बार टाइम निकल जाता है, निकल जाता है। तो मैं, अगर आप मतलब माइंड ना करें, तो मैं ये सवाल पूछ सकती हूँ कि क्या कोई पर्टिकुलर पर्सन वाज देयर इन योर लाइफ जो आपको लगा कि नहीं शादी करनी है तो सिर्फ उनसे करनी है, अदरवाइज? हाँ, ऐसा प्रपोजल आया था। अच्छा। बट कहते हैं कि मैं चूक गई, उनकी शादी होगी, मैं फिर उसके बाद मेरा माइंड ही चेंज हो गया कि अब शादी करवानी नहीं है। अच्छा, तो मतलब इस ये रहा कि हाँ करनी थी तो वही करनी थी मैरिज, और देखुण, उसके देखुण, बाद नहीं करनी है, तो अब लगता है कि हाँ हाँ करनी चाहिए, करनी चाहिए। एक्चुअली आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोग रियलिटी बोल रहे हैं, और वो रियलिटी बोल रहे हैं जो लोग अपने अंदर घुटते रहेंगे और वो बोलते नहीं है सच्चाई, वो पता नहीं कितनी सारी परतें लगा करके बैठे होते हैं बट कहते नहीं है, आर्टिफिशियल वे में जवाब देते हैं। लेकिन सबसे मैं एक पंजाबी से कहना चाहूंगी थानू इत्थे कि पड़ाव हुंदे आ जिंदगी दे, ठीक है ना, कुछ निकल गए, कुछ निकल गए, कुछ आने हैं, पर हुन लगदा है कि हाँ कुछ तो होना चाहिए, जेड़े हुन लाइफ दे मोमेंट्स ने वो लाइफ पार्टनर दे नाल होने चाहिए, होने चाहिए, क्योंकि हुन सेटल भी हां लाइफ च भी, बट एक सिर्फ ए सेटलमेंट है कि चलो होना चाहिए, अपना एक परिवार होना चाहिए। साहिल जी मैम, बिकॉज यू आर यंग स्मार्ट हैंडसम अच्छे सेटल्ड हो, जब हाँ आप लाइफ पार्टनर की बात करते हो तो आप पर्टिकुलर आपके दिमाग में क्या आता है कि मतलब मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए? लाइफ पार्टनर की बात अगर मैं करूँ, अगर ऐसा मुझे यू नो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरा ऐसा कुछ रुझाव नहीं है शादी की ओर, बट इफ़ आई गेट चांस कि मैं आने वाले समय में मेरी मैरिज होती है तो मैं कैसा लाइफ पार्टनर चाहता हूँ वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ है कंपैटिबिलिटी। वो अगर मेरे पेरेंट्स मेरे लिए चूज़ करेंगे तो सबसे पहली चीज़ मैं देखूँगा कि मेरे साथ कितनी ज़्यादा उनकी एक यू नो कंपैटिबिलिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, और वो अंडरस्टैंडिंग बात करके ही और मिलकर ही आप जान सकते हैं। पहले क्या हुआ करता था कि पेरेंट्स जाके रिश्ता
पक्का करके आते थे और आपको मेरे ख्याल शादी के मंडप पे ही पता लगता था या उसके बाद ही लगता होगा पता जब आप देखते होंगे कि अच्छा जी ये है ना. बट अभी कितना मॉडर्न जमाना हो गया है. लाइक अ चाइल्ड सिलेक्ट्स हर और हिज लाइक पार्टनर और पेरेंट्स को भी कोई दिक्कत नहीं होती है. तो आज हम इतने ज़्यादा वी आर सो ग्लोबलाइज्ड कि हमें सहूलियत है. अगर मेरे को कोई लड़की कनाडा से भी पसंद आती है या अमेरिका से भी पसंद आती है तो कम्युनिकेशन इतना हमारा वी हैव लॉट ऑफ वेज टू कम्युनिकेट. तो आप जान सकते हैं उनको और जान के उनसे बात करके ही कंपैटिबिलिटी का पता चलेगा है ना. जब आप थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कंपैटिबिलिटी अंडरस्टैंडिंग रिस्पेक्ट केयर और जब ये सब चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो वो प्यार वाली चीज़ ऑटोमेटिकली निकल के आती है. रविंद्र गौर जी, एक सवाल मेरा आपसे इस वक्त है. वैसे मैं इतनी देर से मुझे लग रहा था मैं आपसे सारे संजीदा से सवाल कर रही हूँ. जैसे अभी आपको कोई लगे कि एनी पर्टिकुलर पर्सन इज परफेक्ट फॉर यू, आपको लगे कि हाँ सब कुछ सेटल्ड है, सब कुछ सुटेबल है, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अगला बंदा आपको नहीं बोले कि मुझे शादी करनी है, आप फट से जाके बोलो आप मतलब मुझे ठीक लग रहे हो, मैंने आपसे शादी करनी है, ऐसा हो सकता है? मतलब बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल हो सकता है. तो कैसे कहेंगे एक एक थोड़ा सा मतलब वो ना कि किस तरह से आप प्रपोज करेंगे? देखो जो मेरे से मिलता जुलता हो, लाइक मेरे विचार उसके साथ मिलते हो तो मैं कहूँगी भी आ जा खड़ी जिंदगी में आ जाओ. तो क्या बात है खुल करके. तो आप कैसे प्रपोज करेंगे? मैं तो गाकर ही कर सकता हूँ प्रपोज. और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ जो मैंने अभी मेंशन नहीं की, मुझे शॉर्ट हाइट लड़कियाँ बहुत पसंद है. तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो लाइफ पार्टनर हो वो शॉर्ट हाइट हो और बहुत सुंदर हो. मतलब एनी रीजन कि शॉर्ट हाइट क्यों पसंद है? आई डोंट नो, बस मुझे अच्छी लगती है. तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरी लाइफ पार्टनर हो, इफ आई एम 5'11" शी मस्ट बी 5'5" और यू नो कुछ ऐसा 5'6". मतलब ये नहीं कि मेरे बराबर नहीं, मेरे बाबा नहीं, शॉर्ट. शॉर्ट का मतलब शॉर्ट एंड क्यूट हो. 5'5" भी शॉर्ट नहीं होता वैसे. 5'5" इज गुड 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 हाइट फॉर फीमेल. 5 पर मेरे हिसाब से शॉर्ट है ना. उनको मैं हील्स नहीं पहनाऊंगा फिर. और तो फिर मतलब कभी जब मैरिज हो जाएगी तो मतलब कैसी मैरिज चाहते हो? तड़क भड़क वाली या सिंपल, मतलब किस तरीके की? या मैं चाहता हूँ तड़क भड़क वाली मैरिज हो, डेस्टिनेशन मैरिज. और अगर मुझे उनको प्रपोज करना है तो मैं एक गाना गा के प्रपोज करूँगा. तो कौन सा वाला? तो मैं थोड़ा सुना दूं दो लाइनें. बिल्कुल बिल्कुल. तो गाना कुछ इस तरह है. मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया रावा, तू जो मेरे नाल तुरे ता तुर पे मेरिया सावा, जीना मेरा है मरना मेरा नाल तेरे सी, तू कर एतबार मेरा तू दिल तू यों जान मेरी मैं तेनु समझावा की ना तेरे बाजो लगदा जी. And I'm damn sure कि वो हाँ करेगी मुझे. इतने खूबसूरत से गाने के बाद तो ना भी कैसे कोई करेगा. हाँ बिल्कुल. आपको क्या लगता है कि आपका लाइफ पार्टनर जो हो थोड़ा मतलब किस तरह का नेचर हो उनका? देखो जी मैम, मैं ये कहना चाह रही हूँ इत्थे सबनों कि बड़ी जिंदगी कट ली है ना, एज उस पड़ाव उस मलरते हैं कि यही जो होवे जरा केयरिंग होवे, जरा प्यार नाल रखे, बस थोड़ा ह्यूमर भी हो, ह्यूमर भी होवे, हैं ऐ नहीं ऐ नहीं किता ओ नहीं किता फलाने नहीं किता ठिकाने सब कर लिया हुन, बस हुन प्यार करना है. क्या बात है, साथ रहना, साथ रहना. वाह, आई एम रियली मतलब मुझे ना दिल से खुशी हो रही है कि आप, क्योंकि अक्सर लोग ये बातें कहते नहीं और आप अच्छे से एकदम कह रहे हो खुल करके, उस
उसी के लिए मैं बहुत खुश हूँ और हम यही चाहते हैं कि जिंदगी फुल ऑन में आ जा पाए हैं, तो जल्दी से अब आपकी लाइफ में भी खूबसूरत से जो चेंजेस हैं वो आए और आप भी जल्दी से अपनी लाइफ के लिए किसी से कनेक्ट हो और लाइफ का रास्ता आगे बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे व्यूअर्स को आपको कुछ कहना हो क्योंकि लास्ट बस वन और टू मिनट्स। मैं जाते जाते भी दो लाइनें गाना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वाह जी वाह। और आप कुछ कहना चाहते हो? बस सभी की ब्लेसिंग्स मिली हैं और इस शो में भी आके बहुत अच्छा लगा है और व्यूअर्स ने भी हमें इतनी विशेस दी हैं, ब्लेसिंग्स दी हैं, तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, सब कुछ अच्छा होगा और मुलाकात भी दोबारा जरूर होगी और जल्दी होगी, हमारी आपकी भी होगी और इनसे दोबारा तब भी होगी जब इनके हम सफर इनके साथ होंगे। और बस आप अगले वेंसडे का इंतजार कीजिए, तब तक जिंदगी को फुल ऑन जीते रहिए।